बच्चों के व्रत बंध कार्यक्रम में शामिल लोगों को दिलाई नशा मुक्ति की शपथ। ईश्वर को साक्षी मानकर यह प्रतिज्ञा करता हूं कि आज के बाद से कभी भी किसी भी प्रकार का नशा नहीं करूंगा और अपने सामने किसी को भी नशा नहीं करने दूंगा। ईश्वर इस पुनीत संकल्प को पूरा। इस वक्त आप देख रहे हैं बुलेट रिपोर्टर खबर मध्य प्रदेश के रीवा से। लोगों को नशे से दूर रहने का संदेश देने वाले सुजीत द्विवेदी ने आज अपने बच्चों के व्रतबंध कार्यक्रम में शामिल हुए परिवार रिश्तेदार सहित लोगों को सामूहिक नशा न करने की शपथ दिलाई। दरअसल सुजीत द्विवेदी लंबे समय से नशे के विरुद्ध लड़ाई लड़ रहे हैं और लोगों को अलग अलग तरीके से जागरूक कर रहे हैं। उन्होंने पहले भी बेटी की शादी में और अपनी माता के अंतिम संस्कार में शामिल लोगों को नशा मुक्ति की शपथ दिलाई थी। इसके अलावा वो लगातार समाज सेवा करते हुए लोगों को नशे से दूर रहने के लिए जागरूक करते रहते हैं। बुलेट रिपोर्टर के लिए ब्यूरो रिपोर्ट रीवा। नशा मुक्ति अभियान जो है वो तो हमारी ज़िंदगी में शामिल है। चाहे कोई भी प्रोग्राम हो, हमारा ये उद्देश्य रहता है कि लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा ये मैसेज जाए कि नशा हमारे घर परिवार के लिए, देश और समाज के लिए घातक है। और हमारा तो कोई भी प्रोग्राम हो, चाहे बेटी की शादी हो, उसमें भी हमने नशा मुक्ति की शपथ दिलवाई थी। और अभी कुछ दिन पहले मेरी माँ का स्वर्गवास हो गया, उस समय भी हमने नशा मुक्ति की शपथ दिलवाई थी। और आज बेटों के व्रतबंध के समय हमने जो लोग यहाँ उपस्थित रहे और बेटों को हमने नशा मुक्ति की शपथ दिलवाई, आगे भी हमारे जो भी प्रोग्राम होते रहेंगे, मेरा ये उद्देश्य है कि हमारा देश नशा मुक्त देश हो और उसके लिए हमें सभी को मिलकर जागरूकता अभियान चलाना होगा। और इस तरह के जो मौके आते हैं, चाहे व्रतबंध हो, शादी हो या और कोई भी प्रोग्राम हो, उसमें हम लगातार लोगों को जागरूक करने का प्रयास करते रहते हैं। देखिए, कोई भी नशा हो, चाहे शराब का हो, चाहे सिगरेट हो, गुटखा हो, कोरेक्स हो और इसमैक हो, और अलग अलग क्षेत्रों में अलग नशा होता है। जो अपना रीवा है वो कोरेक्स के एडिक्ट यहाँ ज़्यादातर हैं और नशे की गोलियाँ जो हैं, आप दिल्ली साइड में चले जाइए तो वहाँ इसमैक का नशा ज़्यादा होता है। तो सबसे ज़रूरी ये है कि जो हमारे बच्चे हैं, जो युवा वर्ग है, वो उनको हम ये समझाएं कि नशा हमारे लिए, घर परिवार के लिए, देश और समाज के लिए घातक है। उसे नशा करके अपने जीवन को ख़त्म ना करें, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब ख़त्म होता है तो अकेला नहीं होता, उसके साथ में माता पिता बीवी बच्चों का जीवन भी समाप्त हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे घर का जो माहौल होता है, अगर हमारे जो बुजुर्ग हैं वो लोग तंबाकू, चून, बीड़ी, सिगरेट का नशा करते हैं, उससे निश्चित रूप से जो हमारे युवा वर्ग हैं, जब देखते हैं तो सोचते हैं हमारे बुजुर्ग नशा कर रहे हैं तो वो भी नशे के क्षेत्र में जा रहे हैं। तो हम बुजुर्गों से भी अनुरोध करते हैं, जो लोग वहाँ शामिल होते हैं, कि भाई आपको देख कर ही बच्चे बड़े होते हैं, यदि आप लोग नशा करेंगे तो बच्चे क्या सीखेंगे। इसलिए ज़रूरी ये है कि जो हमारे बच्चे अब बड़े हो रहे हैं, उनको हम लोगों को सही लाइन पर लाना होगा, ताकि यदि हमारे जो बच्चे हैं, नई पीढ़ियां हैं, अगर वो सुधर गई तो आगे की पीढ़ियां हमारी अच्छी निकलेंगी और देश का भविष्य अच्छा होगा। नए वीडियोस एवं ताज़ी खबरें मिलती रहें, इसके लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना।